कुछ बहनों ने कमेंट किया था कि प्राइवेट पार्ट्स क्लीन कैसे करें। हम ये पूरी वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हो सके उतना हमने प्रयास किया है और आपको बताने का कोशिश किया है कि किस तरह से साफ़ किया जाता है, और इसे हम बॉडी पे अप्लाई करके दिखाएंगे कि क्योंकि हम प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे और अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को कि बाबू को कैसे क्लीन करें। गर्म पानी है, तेल है, पानी लेना है वो भी गुनगुना पानी, मतलब हल्का गर्म जिसे कहते हैं। ये तेल है जिसमें लहसुन है, लहसुन देखे गर्म किए हैं, और ये पानी है गर्म पानी क्योंकि कल बाबू नहाया था बोल के आज नहीं नहाएगा। इसका मुँह साफ करेंगे, ब्रश करेगा बाबू। इस तरह से पानी लेके इस तरह से मुँह में अच्छे दबाते हैं ना। तो बताएगी तब ना करेगी। तो मतलब दांत सब को वैसे ऐसे दबाना, देखे मसूरा हाँ मसूरा ओ। और ऐसे करके जीभ को पूरा साफ करा तो जीभ में घाव होगा, घाव होता है, पूरी तरह से साफ किया गया और मुंह तो कर दिया। तरह से अभी बच्चे को बॉडी साफ करेंगे, उसी तरह से प्राइवेट पार्ट साफ किया जाता है। काजल को मिटाना, थोड़ा सा हल्का से कपड़े में तेल ले और इस तरह से इचे 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 कर साफ हो जाएगा, साफ हो गया। ठंडा लग गया इसलिए वो चिल्ला रहा। गर्मी में इतना ठंडा कैसे? हवा दे रहा है ना। इस तरह साफ कर इसे गला वाला जितना से गर्दन है सबको साफ करेंगे तो गंदा रह जाएगा तो घोल हो जाएगा। हल्का गर्म पानी लेने के बाद में ज़्यादा गर्म है, हल्का सा गर्म पानी है वही साफ ही रहे। कभी ठंडा पानी से साफ मत कीजिएगा, करिए करिए इसको इस तरह से साफ करें सब तरफ एकदम अच्छे से। कहाँ चिल्ला रहा तू है? जिस तरह से क्लीन हो रही है उसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स पे भी अप्लाई करनी है। हल्का गुनगुना पानी ले, पानी लेने के बाद में उसे कपड़े ले, कपड़े को निचोड़े, पानी हल्का कम करें, मतलब थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए। उसके बाद में इस तरह से देखिए और उसके बाद में उसको पोंछ दीजिए। ठंडा पानी से कभी नहीं अप्लाई करें, गर्म पानी से करें तो अच्छा रहेगा। चिल्ला रहा है, देख रहा मेरे को, बोल रहा है तेल लगा तो तुम्हें दिखाएंगे, साफ तो देख रही है रहा है। ये जो उंगली सब है सबको भी साफ करिए पूरा अच्छी तरह से, इससे इस तरह से इसमें भी गंदा रह जाता है। बाबू हम लोग किसी से पूरा छिपला रहा है, तो मुँह जो काजल उजल जितना है साफ उसको साफ कीजिएगा, इस तरह से साफ करिए। हम लोग तो बाबू फिर रोता नहीं है, चाहे आप लोग थोड़ा सा साबुन लेके भी साफ कर सकते हैं, मुझे हल्का सा कपड़ा में साबुन लेके इस तरह से पोंछ के, तो हम लोग साबुन नहीं देंगे ऐसे ही साफ करेंगे। रुक बेटा रुक, हो गया हो गया। अच्छा कान को भी साफ करिए, कान में भी गंदा ना रहे। हो गया, अरे पीछे गया, साफ होगा बाबू। देखो सी देखो खुशी, ए अरे बा बाबू बता रहा सबको, देखे हम तेल कैसे मालिश कर दे रहा हूँ, बहुत खुश है तेल मालिश।
पता चल गया सबको, पता चल गया देखिए हम लोग बहुत कुछ होता है पीछे की तरफ देख से करेंगे इतना चिल्लाएगा तो गर्दन को ऐसे साफ करें कितना खुशी हो रहा है बेटा पानी तो पिलातिया मत बड़ो इसी को देख पा रहा है कान से फिर सब करे इस तरह से उधर को सुनाई दे रहा कि नहीं पता नहीं देख रहा कौन चिल्ला रहा मेरे बदले मुंडी को भी साफ करे इस तरह ये रुको देखो 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 कैसे हो रहा है हो गया हो गया हो गया चिल्लाओ भी वो कुछ देख रहा है इधर उधर देखो ना बेटा कौन है वो इतना बदमाश हो गया देख कूदा कर रहा है एकदम